खबरें फटाफट में आपको दिखा रहे हैं रायबरेली की 5 अहम खबरें। हम आपको बता दें कि लखनऊ में एक आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 27 जून को जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन नदगिरी द्वारा दिए गए भारत संविधान को लेकर बयान के खिलाफ विभिन्न सदनों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के हाथ पे सौंपा है। वहीं चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर गर्भवती महिलाओं के कोविड संक्रमण के बचाव के लिए उपाय बताए गए। हम आपको बता दें कि कोविड संक्रमण में खतरा अभी टला नहीं है और गर्भवती को संक्रमण का डर है, इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने दी। वहीं तीसरी खबर में आते हैं, हम आपको बता दें कि प्रगति सिंह समाजवादी लोहिया के पदाधिकारियों के साथ गांव भदबा में धान रुपाई करने वाले किसानों को खेत में जाकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अन्नदाता किसान भाइयों और माताओं ने कहा कि आगे आने वाला समय प्रसपा का ही होगा। हम आते हैं चौथी खबर में, अमेठी जनपद के सिंहपुर विकास क्षेत्र के अंतर्गत धीरापुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान नवीन श्रीवास्तव और सोनू श्रीवास्तव को प्रधान संघ का अध्यक्ष मनोनीत करने पर ग्राम प्रधानों में खुशी की लहर है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सोनू ने कहा कि संगठन की ताकत पर किसी भी प्रधान का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। आते हैं पांचवी खबर पर, छोटा घोसियाना स्थित कार्यालय में यूजन सभा की बैठक हुई और सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष व आंदोलन करने पर विचार विमर्श किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर पर, हम आपको बता दें कि सीएससी लालगंज में कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जोरों से चल रहा है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बीसीपीएम सुधांशु त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार को सीएससी में लगभग 220 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जबकि बुधवार को लगभग 400 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई थी। हम आपको बता दें कि सीएससी में टीकाकरण जोरों पर है।